रायसेन जिले की मंडीदीप पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हम आपको बता दें, सीरियल चोर को गिरफ्तार करने में मिली कामयाबी। शहर में एक के बाद एक हो रही चोरियों में शामिल आरोपी खुली छतों से घर में घुसकर करता था चोरी। आरोपी ने शहर में 4 चोरी करना कबूल की है। वहीं पुलिस अन्य चोरी के मामले में भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। मंडीदीप थाना प्रभारी राजीव जंगले ने बताया कि 19 दिसंबर को जैन मंदिर में चोरी हुई थी। रहवासियों की सतर्कता से पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी ने जैन मंदिर में चोरी की घटना कबूल की है। साथ ही साथ पूछताछ में आरोपी ने कैलाश गुप्ता, समया मेडिकल व साथ ही साथ शनिवार बाजार के दीपेश जनरल स्टोर सहित अलंकार बूट हाउस में भी चोरी करना कबूल की है। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय धनराज यादव पुत्र कृष्णा यादव निवासी राहुल नगर मंडीदीप स्थायी निवासी ग्राम बोरदाई मुलताई जिला बैतूल बताया जा रहा है। पूर्व में भी महाराष्ट्र के नागपुर में कई अपराध दर्ज है इस आरोपी के खिलाफ। विगत दिनों ही नागपुर जेल से शूट कर यहां पर वारदात को अंजाम देने पहुंचा था ये आरोपी। हम आपको बता दें, पुलिस ने चोर को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी को लेकर उसके गृह ग्राम जाएगी, जहां से चोरी का माल बरामद किया जाएगा। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ये जैन मंदिर में चोरी हुई थी, दिनांक 19/12 को रात्रि में हुई थी जैन मंदिर में चोरी। तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी 21 तारीख को शाम को करीबन मिली थी कि उसी हुडिया का व्यक्ति घूम रहा है। उसकी सूचना पर मौके पे गए, मौके पे पकड़ के लेके आए और कार्रवाई की जा रही, चोरियाँ कबूल की उसका, और ये हमने किया। और अन्य प्रकरणों में राज यादव, पिताजी का नाम है कृष्णा यादव, ये रहने वाला बैतूल तरफ का मंडाई थाना बोरदोली जिला बैतूल का रहने वाला है। यहाँ राहुल नगर में रहता है। अन्य प्रकरणों में पूछताछ की।